इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जब बढ़ जाता है तो उसे हम बिनिंग प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। यह एक प्रकार का प्रोस्टेट इनलार्ज होता है। इसमें उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है। एक उम्र होती है जिसके कारण यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, जिससे यूरिन फ्लो ब्लॉक हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना। जो हमारी एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, उसका साइज बढ़ जाता है। अब इसके हम कारण जान लेते हैं, किस किस कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकती है या फिर यूरिन फ्लो ब्लॉक हो सकता है। तो आपका पहले तो है जो वहाँ की सेल्स होती है वह एक से एक मल्टीपल हो जाती हैं, या फिर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो भी आपको हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ऑर्गन सूजन आ जाती है, या फिर रॉन्ग कैथेटराइजेशन करना, मतलब कि गलत तरीके से यूरिन में कैथेटर डालना, इस कारण भी आपको हो सकता है। और एक अवस्था आती है वृद्धावस्था, इस समय भी ये हो सकता है। और यह प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या सिर्फ पुरुषों में ही देखी जाती है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है पुरुषों में ही पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, आपका यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं होगा, बार बार आपको पेशाब होगी, पेशाब में दर्द होगा, नींद भी नहीं आएगी, आपको बेचैनी महसूस होगी, और प्रोस्टेट की जगह पर आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, और सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत आपकी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे जब भी आपको प्रोस्टेट में कोई परेशानी होगी तब। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो ट्रीटमेंट है ये कब दिया जाता है और किस प्रकार का ट्रीटमेंट आपको ब्लैडर में दिया जाता है प्रोस्टेट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, सबसे पहली मेडिसिन है हमारी प्रजोसिन। प्रजोसिन 2.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ फॉर्म में आती है। इसके अंदर क्या रहता है, प्रजोपिल एक्सएल 2.5। ठीक है, ये जो टेबलेट है आपको, ये आपको देनी है बीडी। ठीक है, एक गोली सुबह एक गोली शाम आपको देना है, 14 दिन तक आपको लगातार ये गोली देना है। और दूसरी दवाई है हमारी फ्लोकाइंड एफ। फ्लोकाइंड जो है हमारी मसल्स को रिलैक्स करता है, जो ब्लैडर की मसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स करने का काम करता है। इसके अंदर क्या रहता है, टेम्सुलोसिन और फिनास्टेराइड इसके अंदर रहता है। ये भी आपको गोली ओडी देना है, एक गोली सुबह आपको मॉर्निंग में देना है। एंड हमारी एक एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जो हमारे ब्लैडर में दर्द को कम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है। उसके लिए आती है हमारी फायरिडोन पायरिडम 200, जिसके अंदर रहता है फेनोजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये टेबलेट जो है आप इसे बीडी दे सकते हैं, एक गोली सुबह एक गोली शाम आपको देना है, 14 दिन तक ये गोली आपको देना है। और ध्यान ये रहे कि ये जो तीनों गोलियां हैं ये आप 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है, ध्यान यही आपको रखना है। और यदि हमारे हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो आप उसे एक इंजेक्शन दे सकते हैं जो आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस टेस्टोस्टेरोन प्रोपाइनेट इसके अंदर रहता है, सेरनोस नाम से ही आपको मिलेगा, 50 मिलीग्राम की पैकिंग में ही आता है। आप इसे एक सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, आप इसे 3 से 4 इंजेक्शन दे सकते हैं, जिससे वहाँ पर क्या है टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है लेवल में आ जाएगा, फिर जब पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। ये ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है जब भी लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।